Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लस्सी की रेसिपी। अब इतनी गर्मी हो रही है और ठंडी ठंडी सी लस्सी मिल जाए ना, बस मज़ा ही आ जाता है। और वो भी इतनी मलाईदार, झागदार, गाढ़ी लस्सी जो कि आप मार्केट में पीते हैं, घर पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, छोटी सी ट्रिक है, इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। इस टाइप के और भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कोई क्वेश्चन हैं, क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल फ्री होता है, तो आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करें आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मलाईदार, झागदार, इतनी गाढ़ी लस्सी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम दही अच्छा जमाएं। तो मैंने घर का जमाया हुआ दही लिया है, घर पर ही दही बनाया है। अगर आपको भी इतना थिक दही बनाने की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस दही के ऊपर जो मलाई है ना, हम सबसे पहले तो उसे उतार लेंगे। आप सोचते हैं कि जो मार्केट में लस्सी पर मलाई मिलती है वो दूध की मलाई होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दही के ऊपर की ही मलाई होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि दही के ऊपर से मैंने सारी की सारी मलाई उतार ली है, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं लस्सी में। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट ट्रिक कि हमें दही के ऊपर से ही मलाई उतारनी होती है। अब आती है हमारी सेकंड ट्रिक की बात। उसके पहले हमने जो दही लिया है उसको हम एक मिक्सिंग जार में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं दही कितना गाढ़ा है। कभी भी लस्सी बनाएं तो उसमें पानी या दूध बिल्कुल भी ऐड ना करें। अगर आप पानी या दूध ऐड कर देते हैं ना, तो वो दही की थिकनेस बहुत पतली हो जाती है, जिसकी वजह से इतना अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर ऐड की है, लगभग 3 स्पून, और यहाँ पर मैं 2 से 3 ग्लास लस्सी से बना लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आइस। आप इसी स्टेज पर इसमें आइस ऐड कर दीजिए और आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बस इसको आपको करना है चर्न। तो अब मैं इसको लगभग 5 मिनट तक अच्छे से चर्न करूँगी। यस, आपको इसे काफ़ी देर तक चर्न करना है। 2-3 बार चर्न करने के बाद एक बार मिक्सिंग जार ओपन कीजिए, जैसे कि मैंने ओपन किया है। जस्ट लुक एट दिस, आप देख सकते हैं झाग बनने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन उतने झाग नहीं हैं जितने अभी हमको चाहिए। तो अगेन मैं इसका जार का ढक्कन लगा दूंगी और इसको अगेन चर्न करूँगी। अब चर्न करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छे खासे झाग आ चुके हैं। तो ये तो थी हमारी सेकेंड ट्रिक कि आपको इसमें पानी या दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और इसे 4-5 मिनट तक अच्छे से चर्न करना है, इतने ज़्यादा झाग लाने के लिए। अब जब हमारे ये झाग बन चुके हैं, अब इसको सर्व करने की बारी आती है। ये भी एक्चुअली बहुत ट्रिकी होता है, आप कभी इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा तो आप देखेंगे कि कितने झाग जो आपको मार्केट की लस्सी में मिलते हैं घर पर भी मिल सकते हैं, ये घर की लस्सी के ही झाग हैं। लेकिन इसको मेंटेन कैसे किया जाए, वो ट्रिक है ये। जब आप इसमें लस्सी को पोर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पतला दूध के जैसा ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप इसको केवल 1.25 ग्लास फिल कीजिए। जब आप लास्ट में इसको पोर करेंगे तब आप देखेंगे कि जो झाग होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो लास्ट में आपको इसे सब ग्लासेस में अलग से पोर कर देना है। तो आप देखेंगे कि सारे ग्लासेस में उतने सारे झाग आ जाते हैं और बाद में जो थोड़ा बच जाता है उसको इस टाइप से उछाल कर उसमें ऐड कर दीजिए। लेकिन अभी भी ये लस्सी रेडी नहीं है, अभी आप इसके ऊपर मलाई ऐड कीजिए लेकिन तब भी रेडी नहीं होगी ये। अभी हमारी जो लास्ट ट्रिक बाकी है वो ये है कि इस पर आप मलाई ऐड कर दीजिए, साथ में टूटी फूटी ऐड कर दीजिए और इसके बाद आपको रखना है इसे फ्रीज में। यस, आप जब तक इसे 1 घंटे तक फ्रीज में नहीं रखेंगे ये उतनी थिक नहीं होगी जैसे आपको मार्केट में मिलती है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टूटी फूटी, ये मेरी होममेड है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, वाओ, इतनी ज़्यादा झागदार, इतनी गाढ़ी लस्सी घर में मिल जाए ना, मज़ा ही आ जाता है। तो है ना ये कमाल की रेसिपी, एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, डैम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इतनी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं आपको ट्रिक्स कैसी लगी।